राजकरनाना क्षेत्र के दुष्कर्म पीड़िता की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता की धरना स्थल पर ही तबियत खराब हो चुकी थी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। गत 20 सितंबर को राजगढ़ थाना क्षेत्र में मुखबधिर नाबालिग लड़की के साथ 50 वर्षीय अध्ययन ने दुष्कर्म किया था। घटना के दौरान परिजन खेतों में काम करने के लिए गए थे और घर पीड़िता अकेली थी, तभी आरोपी ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि दुष्कर्म पीड़िता मुखबधिर है, उसकी जगह चश्मदीद उसकी छोटी बहन ने अदालत में बयान दिए। वहीं मुखबधिर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने पीड़िता को उचित न्याय, सुरक्षा व आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के गेट के बाहर धरना दिया। धरनास्थल पर ही पीड़िता की तबियत बिगड़। मेरी लड़की के लारे बलात्कार हुआ, उसके बाद में तबियत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा, तो उसमें आरोपी पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, पकड़ लिया। कौन था आरोपी? गांव का ओमी मीणा। अच्छा, किसने किया था? हाँ, उसने किया। आप लोग कहाँ गए थे? हम खेतों पे गए, पक्षी अकेली थी। अकेली थी। अच्छा, तो अब आपने धरना भी दिया था? हाँ, धरना दिया। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि बच्चे को कछु सरकारी नौकरी मिले, हमको प्लॉट मिले शहर में, और हमको दायजा मिले। अच्छा, मुआवजा। हाँ। अच्छा, तो प्रशासन से आपने बात की? तो हाँ, बात की, सबको मिला दिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई, मुझे करेंगे। तो आज क्या हुआ, बच्ची की तबियत अचानक खराब हुई? अचानक खराब हुई। कल भर्ती कराया आपने? कल भर्ती कराया। अच्छा, तो अब यहाँ पर भर्ती है हॉस्पिटल में? हाँ, भर्ती है। क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? अभी सुनावनी में हमको पता ही नहीं। अच्छा, तो आप किस तरह न्याय मांगते हैं? पुलिस प्रशासन को क्या न्याय मांगते हैं? हमको न्याय चाहिए। अच्छा, तो